तो इस वक्त हम लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के कालिंदी कुंज एरिया से जो यमुना का हिस्सा गुजरता है, अगर आपको दिखाएं हम अपने हुकुम जिसे कहें कैमरा मैन से दिखाएंगे अच्छे से कि अभी जो स्थिति आपको दिख रही है दिल्ली की है, जो हर साल ये स्थिति उत्पन्न होती है और झाग का आप इतना मोटा हिस्सा देख रहे हैं, लग रहा है कि बर्फ़ तैर रही है और ये अंटार्कटिका जैसा दिख रहा है। तो कुछ लोगों को ये बादल जैसा भी दिख रहा है, कुछ लोगों को दृश्य देखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन ये वो गंदी स्थिति है जो आसपास के फैक्ट्री से, हाउस होल्ड वेस्ट से सब आया हुआ है और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, झाग बन गया है और ये पूरी दिल्ली में यही ये सारी गंदगी जाएगी। इसमें अमोनिया है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है और इसमें इतनी गंदी बदबू आ रही है, सुबह नहीं आ रही थी, इस वक्त आ रही है, समय के साथ साथ धीरे धीरे आ रही है और स्थिति गंदी से गंदी होती जा रही है। अभी मैंने मास्क इसलिए लगाया और ये मास्क भी यूज़लेस है क्योंकि इसकी इतनी गंदी गैस निकल रही है कि शरीर में जा रही है और अजीब सी बेहोशी जैसी आ रही है, आँखों में इचिंग सी हो रही है, रेडनेस हो रही है। तो ये स्थिति जब तक रहेगी, सरकारें जब तक आपको बेवकूफ़ बनाती रहेंगी, हर बार इस पे वोट मांगेंगी और इस बार भी मांगेंगी और जनता वोट देती है और सरकारें बनती हैं और काम नहीं करती हैं। 25-30 साल से स्थिति वैसी की वैसी है, हजारों करोड़ रुपये खर्च हो गए, इतने सारे STP प्लांट्स लगाए गए जिसमें से 3-4 ही काम कर रहे हैं, मतलब बजट पास होता है, एलोकेशन होता है, करप्शन होता है और जनता बेवकूफ़ बनती है। और आपके सामने ये रिज़ल्ट है, ये जो झाग आपको दिख रहा है ये इसका सबूत है कि आप बेवकूफ़ बने हैं, वोट दे के गलत सरकारों को आप लोगों ने चुना है, बैठाया है। और जब सवाल पूछने की बारी आएगी, जब दिल्ली में चुनाव होंगे, तो आपको तय करना होगा कि किसके वादों में कितना दम है, किसको बैठाना सही है, कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अलग अलग होती है तो किस तरीके से आपसी लड़ाई के चक्कर में काम वहीं का वहीं रुक जाता है। अभी जनता के ऊपर है वो तय करे कि अब जो चुनाव आ रहे हैं तो BJP को मौका मिलेगा या आम आदमी पार्टी को। और ये स्थितियों के ऊपर जनता अगर कड़े रुख नहीं अपनाएगी, बात नहीं करेगी, सवाल नहीं उठाएगी, तो बहुत समय तक ये स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। और जो केजरीवाल ने वादा किया था 2025 तक डुबकी लगाएंगे, इसमें लग नहीं रहा है कि 2-3 महीने में डुबकी लगाने लायक बचेगा।